हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तवा नान। इसे हम बिना ईस्ट और बिना तंदूर के बनाएंगे। ये बिल्कुल जैसे हम शादियों में और रेस्टोरेंट में खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होगी। सो लेट्स सी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन को दबाएं वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बोल, उसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर, 3 बड़े चम्मच दही, 1 बड़ी चम्मच तेल, और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना है। अब हम इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। पानी हम इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करेंगे। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे इस बोल से निकाल कर बोल को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और जब ये बोल अच्छे से ग्रीस हो जाए, इसमें हम आटे को रख देंगे, इसे ढक देंगे और 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे हो चुके हैं। आप देखेंगे कि ये आटा थोड़ा सा पहले से फूल चुका है, और इसे हल्के हाथों से एक बार और गूंद लेंगे। अब हम इससे थोड़ा सा आटा ले लेंगे और उसे राउंड शेप दे देंगे हाथों की हेल्प से। अब हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और जो हमारी लोई है उसे बेलना स्टार्ट करेंगे। हम इसे ओवल शेप देंगे। अब हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे कुछ अनियन सीड्स, जिसे हम कलौंजी बोलते हैं, ये ऑप्शनल है, थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ती, और 1-2 बार इसे बेल लेंगे जिससे ये सारी चीजें इसमें बैठ जाए। अब हम इसे उल्टा करके हाथों को गीला करेंगे और सारे पोर्शन में वाटर को अप्लाई कर लेंगे। मीनवाइल आप तवे को गर्म कर लीजिए और इसे उठाकर जिस तरफ आपने पानी लगाया था उसे गर्म तवे पे रख देंगे। थोड़े टाइम बाद ही आप देखेंगे कि इसमें जगह जगह पर बबल्स उठने लगेंगे, और उसके बाद हम तवे को उल्टा कर लेंगे। पानी लगे होने की वजह से वो गिरेगी नहीं, और इसे सारी साइड से पका लेंगे और बीच बीच में उल्टा करके भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तैयार हो गई है, इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। मैं इसे उल्टा करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसे पकी है नीचे से। अब हम इसे ग्रीस कर लेंगे बटर के साथ, और देखिए हमारी नान तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम बचे हुए डो की नान तैयार कर लेंगे। आप इसे किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, घर पे बनाना इसे कितना आसान है। इस पर भी हम बटर लगाकर इसे तैयार कर लेंगे और इसे भी निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे, और ये रेडी है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।